नया आलू जो है अभी कम से कम 8 दिन तो। दोस्तों आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम है ठठी आलू मंडी में और बहुत ही सम्मानित अनुभवी व्यक्ति लोग हमारे साथ हैं साहब। भैया ब्रजेश कटियार जी हैं और पंचू दुबे जी हैं और मास्टर साहब हैं। इन लोगों से चर्चा होगी पुराने आलू के विषय में, क्योंकि आपको पुराने आलू बहुत अच्छी नॉलेज है। नए आलू के साथ साथ फिलहाल हम ठठिया मंडी में है और आमदनी के बारे में चर्चा होगी और रेट का भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रजेश भैया से बात करते हैं, पुराने आलू क्या स्थिति है इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। पुराना आलू जो है बहुत कम मात्रा में बचा है मानी मुंह में और बीज ज्यादा है अभी। हाँ, छट्टा आलू जो है खाने वाला राशन आलू वो बहुत कम रह गया है। अगर खाने वाले आलू की बात करें तो ज्यादा 3-4% बस बस बहुत मुश्किल से। लेकिन बीज तो पोजीशन बिल्कुल खराब हो गई है। बीजा की पोजीशन खराब है, अगर मार्केट में कुछ उछाल आई तो बीजा भी कुछ पैसे दे के जाएगा। क्या लगता है आपको अभी जो खाने वाला आलू है राशन का उसमें कुछ रेट बढ़ेंगे? नहीं, राशन आलू की डिमांड बढ़ रही है। बढ़ रही है? हाँ, राशन आलू की डिमांड लगातार बढ़ रही है और कच्चा आलू अभी उतना उपलब्ध है नहीं। अब जबकि भैया ठठिया में लगभग आज आप देख ही रहे हैं, हमारी समझ में 5,000 के आसपास होगी, आपके समझ में कितनी? अभी अभी तो आमद आ रही है, अभी तो 4-5 हजार जो है आमद अभी बढ़ेगी। तो इस तरीके से अगर आमद बढ़ रही है तो आने वाले समय में क्या पुराना आलू फिर भी नहीं करेगा? पुराना आलू फाइट नहीं करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि बहुत ज्यादा जो लग रहा था कि मार्केट ज्यादा नीचे जाएगी या बहुत औने पौने दाम में आलू बिकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आमद को देखते हुए रेट आज भी सही है और रेट भी ठीक है और नए आलू के भी रेट ठीक है। नया आलू आज क्या रेट में? नया आलू यहाँ बिका है 900-925 रुपए पैकेट। नया आलू 900-925 लाइव बिक्री भी हमें अभी आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो है हमारे साथ पंचू दुबे जी हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि भैया आप क्या स्थिति में हैं, बताइए साहब क्या स्थिति में है। स्थिति है पुराना आलू तो बाबा जी को भी बहुत कम बचा है हमारे यहाँ जी 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 कन्नौज में जी, लेकिन बीजा का भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है। बीजा तो साहब फेंक गया? ठीक गया, हो सकता है कि 150 रुपए इकट्ठे पैसे मिले अभी। अभी भी उम्मीद है कुछ? उम्मीद किए बैठे क्योंकि हम लोगों के पास बीजा बहुत बैलेंस है अभी तक, वो बिक नहीं रहा है। एक बात नहीं सर समझ में आ रही, जब बारिश हुई थी तो लगता था 10-15% आलू है, ज्यादा नहीं है, और आलू जो आमद है वो लगभग 5 दिसंबर के बाद ठीक ठाक दिखने को मिलेगी, लेकिन आज हम मंडी में देख रहे हैं बहुत अच्छी आमद दिखाई पड़ रही है। ये आलू की बुवाई तेरवा क्षेत्र में हो गई थी बहुत पहले। हाँ, यहाँ पर बलुई मिट्टी थी, आलू लोगों ने पहले बुवाई कर दी थी, इसलिए ये आलू सारे तैयार हो गए। केवल मानी मऊ क्षेत्र में आलू की बुवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए इस क्षेत्र का आलू आ रहा है। हाँ, आपने कई बीघा लगाया सर? अब हमने तो अपना बिलग्राम में लगाया था 20 बीघा आलू। ब्रजेश भैया आप भी लगाए, कितने लगाए? अरे लगाए 10 एकड़ तक। 10 एकड़ तो अब की बार दुकान अपनी कौन सी है? दुकान ये दुकान नंबर 22 है ना, कटिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। कटिया ट्रेडिंग तो काम तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो कुल मिलाकर के ब्रजेश भैया बिल्कुल पूजन की तैयारी में, आने वाले समय के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। शुरू हो जाएगी ब्रजेश भैया की आड़त परसों से यहाँ शुरू होने जा रही है, परसों और यहाँ आलू उतरेगा परसों। बहुत अच्छी बात, परसों से आलू शुरू हो जाएगा। बाबा जी बताइए क्या स्थिति बनने वाली है? नया आलू जो है अभी कम से कम 8 दिन तो आमद बढ़ेगी, इसके बाद स्थिर हो जाएगी, गिरेगी आमद। क्यों? जो पहले गड़ान है वो 8-10 दिन में निकल आएगा, आलू कम निकल रहा है। तो क्या लगता है रेट में कुछ परिवर्तन होगा? हाँ, रेट में परिवर्तन होगा, रेट में परिवर्तन होगा, आलू नए आलू मुछाल आना चाहिए। एक बात ये बताइए, अब की बार कच्ची पक्की एक ही में है तो ऐसा नहीं लगता कोल्ड अपने आप भर जाए? कोल्ड भरने की बात यहाँ तक है, ये कच्ची पक्की जो साथही में है ये जनवरी दिसंबर जनवरी में खुदान ज्यादा होगा और फरवरी के लास्ट में पक्का खुदता है, तो कच्ची का अगर भाव अच्छे रहे तो कच्ची में आलू ज्यादा चला जाएगा। कच्ची में भाव अगर अच्छा रहा तो ज्यादा चला जाएगा। आपकी भी दुकान है? आप मेरी भी दुकान है, 24 नंबर राजेश द्विवेदी नाम मेरा है। अच्छा अच्छा, और घर कहाँ है सर? मानी मऊ कन्नौज जी। तो आलू किस तरीके से देखते हैं पुराने आलू की सर? पुराने आलू का भविष्य धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, पुराना आलू खत्म भी हो रहा है, भविष्य भी खत्म हो रहा है। अब 4%, 3%, 2% समझो बिल्कुल लास्ट बचा हुआ है, और नए आलू जैसे आप कह रहे थे कच्ची और पक्की, तो नया आलू अगर रेट ठीक रहा तो जैसे बाबा जी कह रहे थे फरवरी तक खुदता रहेगा, और रेट कहीं अगर डाउन हुए
तो दोनों आलू इकट्ठा होंगे और इसका भविष्य जो है आगे जाकर अच्छा नहीं रहेगा। अगर रेट डाउन हुए, रेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप भैया बताइए क्या नए आलू क्या पोजीशन बनने वाली है? नए रेट यही चलेंगे कि डाउन हो जाएंगे? नहीं नहीं, रेट यही रहेंगे लमसम में। अभी खुदाई बढ़ेगी, आमद ज्यादा आएगी मंडी में। कल अपनी भी दुकान का उद्घाटन है, शुभम ट्रेडर्स, दुकान नंबर 24। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा ही अनुभवी ब्रजेश भैया हमारे बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत अच्छा व्यापार भी करते हैं। बहुत अच्छा इनका हिसाब किताब है आलू को लेकर के, और आपने दुकान भी ले रखी है। तो कुल मिलाकर के आलू की जो बातचीत हुई वो यही समझ में निकल करके निचोड़ निकला है कि जो आवक है ये अभी 8 दिन तक चलती रहेगी, इसके बाद कुछ ठहरा होगा, इसके बाद जो आमद आएगी वो निरंतर चलती रहेगी।